वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। सो आज हम बात करने वाले हैं रिपल के XRP टोकन के बारे में। फिर से बताऊंगा कि कुछ घंटों में क्या निकल के आई है इसकी नई न्यूज़, क्या क्या खबरें निकल के आई हैं सामने, और बताऊंगा आपको इसके प्राइस एनालिसिस, एंड ये भी बताऊंगा कि आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सब बताऊंगा डिटेल इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। एंड यस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का पता चलता रहे। हम रोज़ चैनल पे नई वीडियोस लाते हैं, सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अब ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर देखते हैं क्या निकल के आई है। तो पहली खबर निकल के आई है कि क्या आपको लगता है कि रिपल के आपको बहुत अमीर बना सकता है। प्राइस प्रिडिक्शन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, बेसिकली कहें तो हाँ, XRP आपको अमीर तो बना सकते हैं। भले ही उसने अपना मेजर ड्रॉप रिसेंटली उसने अटेन किया, बट बहुत फैक्टर्स हैं जो कि उसको एक गुड इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और जो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है फ्यूचर में। आपको पता है XRP बहुत ही बैंक्स में यूज़ होता है एज ए मनी ट्रांसफ़र के लिए, एंड इसलिए ये रिपल में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर हम बेसिकली मैं आपको अब सम अप करके बताऊं इस आर्टिकल के बारे में, सो इनका कहना है कि अगर आपने बहुत पहले 2017 या 2018 में अगर आपने $3,000 XRP में डाले थे और अगर इसको 2018 में आपने इसको बेचा होता है इसकी पीक पे, तो आपने $1,000,000 बनाए होते। ऐसे सेम ही है, आपको पता है हर क्रिप्टो करेंसी का यही सीन चलता है। यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो हाँ, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं इन अ लॉन्ग रन। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपने अगर मेरी वीडियोस चेक की हो तो उसमें मैंने बताया हुआ स्पेसिफिकली कि ये कॉइन अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द जितनी भी न्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, ये कॉइन कहीं से भी शॉर्ट टर्म कॉइन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कॉइन है। आप इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स अटेन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई खास बेनिफिट्स नहीं दे सकता। वो एक चांस होता है कि अगर आप बुल्स रन में आपने उसको सेल आउट कर दें, नहीं तो इट्स नॉट अ कॉइन फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग रन के लिए काम आता है ये कॉइन। अगली न्यूज़ की बात करें तो रिपल का लीगल अनसर्टेनिटी डिसमिसेस बाय XRP वेल्स हु कंटिन्यूज अक्यूमुलेटिंग हैविली। जैसे कि आपको पता है जो XRP का प्राइस है, क्रिटिकल सपोर्ट बैरियर पीछे हो गया था, बिल्कुल एकदम पीछे आ गया था। एंड अकॉर्डिंग टू रिपल्स को जो इनकी क्वार्टरली मार्केट रिपोर्ट है, SEC के लॉसूट के बावजूद भी 90% XRP वॉल्यूम इंटैक्ट है एंड प्राइस रिकवरी हो रही है। आपको पता है कि US में तो ये बैन कर दिया था इन्होंने कितने क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जैसे आपको पता हो बड़ी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे क्रैकन हो गया, कॉइनबेस हो गया, उन्होंने तो फ्रीज कर दिया था फॉर US रेजिडेंट्स रिपल एक्सचेंज और सब कुछ। सो ये SEC की जब से रिप्लाई मिला है ना, जब SEC को रिप्लाई दिया, जब रिपल ने रिप्लाई दिया SEC को कि 96 पेजेस का रिप्लाई था जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि हम XRP को एज अ सिक्योरिटी और एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं करते, XRP एक क्रिप्टो करेंसी है, फोर्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, तो आप कैसे इसको कह सकते हो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। तब से आपने इसकी प्राइस में बहुत राइज भी देखा, एकदम नीचे से ऊपर 0.744 तक गई थी एंड उसके बाद फिर नीचे आई 0.43 से नीचे आई एंड उसके बाद 0.38 तक गई, बट फिर से पिछले 3 दिन हो गए हैं 0.40 का इसने सपोर्ट लेवल नहीं छोड़ा है। सो ये पॉजिटिव हम कह सकते हैं, एंड जब तक 0.40 का सपोर्ट लेवल होल्ड कर सकता है, हम ये कर सकते हैं, एक तो बुल्स फेवर करेंगे क्योंकि आपको पता है लोग इसको बाय करेंगे हाई अमाउंट में अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेबिलिटी जैसे अटेन करता जाएगा उसमें ये होगा कि लोग इसको बाय करेंगे एंड यस, बुल्स का पूरा पूरा चांस होगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो व्हेल्स मूविंग मिलियंस इन XRP एज गूगल सर्चेस फॉर क्रिप्टो एसेट एक्सप्लोर्स टू ऑल टाइम हाई। गूगल सर्च XRP की ऑल टाइम हाई हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं वर्थ $10 million एज ऑनलाइन सर्च इंटरेस्ट क्रिप्टो एसेट एक्सप्लोर्स। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा हो चुकी है इसकी क्या बोलते हैं सर्च वॉल्यूम। एक मॉनिटरिंग टूल है वेल अलर्ट, उसने रिपोर्ट किया है कि इतना 119723157 XRP कितने $47.8 million के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं XRP के। तो आप देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम, आप देख सकते हैं ये गूगल ट्रेंड्स है, सर्च वॉल्यूम इज़ द हाईएस्ट, ये पीक होती है जो डाटा अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ, बट ये आप पीक देख सकते हैं कितनी है, मतलब हाई ऑफ 76 रिकॉर्डिंग इन दिसंबर 2017 के बाद, ये वाली पीक के बाद इस बारी हाईएस्ट पीक पे है एंड पूरा पूरा ट्रेंड में है XRP एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग XRP की वैल्यू $0.42 थी।
कॉइन मार्केट कैप के, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि क्या सारा सीन है। सो वीडियो को पूरा देखें। अगली देखते हैं, हाउ अफेक्टेड वर XRP वॉल्यूम्स आफ्टर द SEC लॉसूट अगेंस्ट रिपल। आपको पता है SEC ने 1.8 बिलियन USD का लॉसूट फाइल किया था रिपल के लिए एंड अगेंस्ट, तो उससे हमने क्या देखा। बेसिकली अगर आपने देखा हो तो एकदम जो हुआ था ना, वॉल्यूम बहुत नीचे गया, 12.49% इम्पैक्टेड वॉल्यूम्स थी एंड बहुत नीचे चली गई थी वैल्यू, आपको पता ही है 0.20 से के भी नीचे चली गई थी एंड काफ़ी लॉस हुआ है। बट यस, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं XRP के लिए, तब से लेके अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव्स हैं XRP के लिए एंड उसने अपना प्राइस भी आगे बढ़ाया है। आगे हम बात करें तो XRP प्राइस एनालिसिस है, साइडवे कंसोलिडेशन, XRP लॉन्ग्स ऑल टाइम हाई एट बिटफिनेक्स एंड सर्च इज ऑल टाइम हाई इन गूगल ट्रेंड्स। मतलब आप देख सकते हैं XRP ने भैया हर जगह पे अपना ऑल टाइम हाई लगाना शुरू कर दिया है, बस प्राइस में ही ऑल टाइम हाई रह गया है। हाँ, इस ईयर का ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, बट हाँ अपना ऑल टाइम हाई लगाने से दूर है बस, बाकी तो हर जगह लगा रही है। आप देख सकते हैं XRP की सर्च टर्म हिट ऑल टाइम हाई गूगल में एंड इसका बहुत मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया XRP के बारे में। बहुत लोगों को अब वो हो रहा है कि लाइक हाउ द मतलब क्या है कि चीज़ क्या है, लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जिससे इसकी बाइंग वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एंड यस प्राइस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट मूव करती रहेगी। एक न्यूज़ निकल के ये आ रही है। अगली न्यूज़ है XRP वेयर्स मार्केट प्राइस एनालिसिस। अगर हम सीधा ही XRP के पे देखें तो आप देख सकते हैं गुड एग्जांपल है कि डाइवर्जेंस क्यों ट्रेड नहीं होती। अगर हम देखें तो जो विंसिटी ऑफ 0.62 रीजन नियरली सिग्नल ऑन अ बुलिश मोमेंटम ऑन द मार्केट हैज़ बीन रिप्लेस एंड नियरली स्लिड बाय 40% ऑन द सेम डे। आपको पता होगा कि पीछे अगर आप इसके प्राइस देख रहे थे तो एकदम जब भी 0.744 पे गया था उसके बाद एकदम ही डाउनफॉल आया था एंड अगर हम उसके बाद से देखें तो आप देख सकते हैं नीचे जाके इसने फिर से ग्रीन यहाँ पे एंड उसके बाद इसने स्टेबिलिटी दिखाई है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले 3 दिन से XRP 0.40 के सपोर्ट लेवल को नहीं छोड़ रहा एंड अपनी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। हम इससे क्या सोच सकते हैं, इससे हम ये देख सकते हैं कि अब XRP एक मिनिमम लेवल पे स्टेबिलिटी दिखा रहा है। अगर मैं आपको सीधा सीधे इसके XRP का प्राइस एनालिसिस दिखाऊं तो कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो $0.4430 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि डाउन बाय 1.23% है लास्ट 24 आवर्स। मार्केट कैप 0.20% से अप है, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी 0.20% से अप है, वॉल्यूम भी 14.65% से डाउन है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं चार्ट की बात करूँ, अगर हम जाएँ तो लास्ट एक वीक में जाएँ तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे अपना जो नया हाई अटेन किया था उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे नीचे आया। आप देख रहे हैं ग्रीन वाली लाइन XRP की वैल्यू है USD में, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई, इसमें स्टेबिलिटी 0.3 नीचे आ गया था एंड उसके बाद यहाँ पे 0.38 के बाद 38 से नीचे नहीं गया, उसके बाद यहाँ पे आया 0.4। जब इसने एंटर किया था 0.4 यहाँ पे 4 फरवरी को इसने अपना 0.4 अटेन किया था एंड उसके बाद से 0.40 का सपोर्ट लेवल नहीं ब्रेक किया इसने और ये अभी भी 0.4329 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट 24 आवर्स में 0.4519 हाई गया है और लो 0.4265 गया है। बेसिकली 0.455 था जो लेवल, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं। अगर आपने पीछे प्राइस एनालिसिस में लास्ट वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें बताया था कि 0.455 अगर ये अटेन कर लेता है तो उसके बाद ये 0.55 USD तक जा सकता है बुल रन की तरफ। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है ट्रेड वॉल्यूम 14.65% से डाउन है। क्यों? लोगों ने जो है नए बायर्स, उन्होंने एक तो इन्वेस्ट किया है अब XRP पे बहुत ज़्यादा, उसकी वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है ऑल टाइम हाई चल रही है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स तो हो ही रही हैं प्रॉपर, जिसके करके इसकी जो ट्रेड वॉल्यूम है लोग बाय करके होल्ड कर रहे हैं, इसको अब कोई सेल नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली अब लोग इसको देख रहे होंगे या तो कि बुल्स में प्रॉफिट निकाल सकें या इसको फॉर अ लॉन्ग टर्म होल्ड करें। हाँ, थोड़े बहुत सेलर ज़रूर होंगे बट हाँ मेजॉरिटी अब इसको होल्ड कर रही है जिससे ट्रेड वॉल्यूम नेगेटिव में है। अब हमारे लिए क्या कह सकते हैं, देखिए अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाय करूँगा बट फॉर अ लॉन्गर रन। हाँ, अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो इसको लॉन्गर रन में करें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए अलग बात है कि हाँ वो बाय कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट में एंड फिर उसको कि वो उसे शॉर्ट रन बुल्स में
प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके बुल में अभी टाइम है, बट येस इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बुल सॉर्ट ऑफ। बस होपफुली, जैसे कि आपको पता है अभी पीछे न्यूज़ आई थी जिसमें SEC के फॉर्मर CEO ने बोला था कि रिपल SEC का जो केस है लॉसूट का वो जीत जाएगी, जिसके करके इसकी प्राइस 0.40 सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं आई है। ये एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं। बाकी यस, अगर हम बाकी मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन राइज में है, एथेरियम थोड़ा नेगेटिव्स में है, और ब्रॉडर मार्केट की सपोर्ट की भी नीडेड होगी इसका, जिसको इसको अपना प्राइस इंक्रीज करना है। सो लेट्स सी, अगर मैं हूँ सो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि XRP क्या है और इस पर इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, मैं आपको बोलूँगा येस, पोटेंशियल होल्ड करता है, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा कॉइन है, आपको प्रॉफिट ज़रूर गेन करके देगा, बट येस फॉर लॉन्ग रन। नोट करें, ये एक ऐसा कॉइन नहीं है कि आप शॉर्ट अमाउंट्स में इस पर इन्वेस्ट कर लो और इससे जल्दी जल्दी प्रॉफिट निकालो, नहीं। अगर आप इस पर इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म में करो। बाकी आपको पता ही है इस चैनल में मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, हम बस आपको पता है इस चैनल में एनालिसिस करते हैं, पूरी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, न्यूज़ बताता हूँ आपको, कवरेज करके मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता XRP का। और बाकी आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, मत करें, आपकी मर्ज़ी है। बाकी इस वीडियो में सारी यही थी XRP की न्यूज़ वगैरह, बाकी और भी कोई नई अपडेट्स होंगी तो मैं जल्द से जल्दी लेके आऊँगा भैया। सो अगर आप बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड यस चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट चाहिए होता है आपका, आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलती है रोज़ नई वीडियोज़ लाने का। एंड यस रोज़ नई वीडियोज़ लेके आता हूँ, आई बटन पे चेक कर सकते हैं रिसेंट वीडियोज़ जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज कवर्ड हैं, और कमेंट करें मेरे को बताएं XRP का आपको क्या लगता है, और जो कॉइन भी आपको चाहिए कमेंट करके मुझे बताएं, आपके लिए मैं वीडियो 100% लेके आऊँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।